Hello everyone, in the continuation of last video, in this video I am going to discuss about muscular contraction. अब इस mechanism को पढ़ने से पहले हम अच्छी तरह एक term को समझ लेते हैं और यह term है neuromuscular junction. यह ऐसा junction है जो nerve fiber and muscle fiber के बीच में present है. Mechanism of muscular contraction के theory को first time दो groups of people ने दिया था. पहली group में थे Andrew Huxley and Niederjerg और दूसरी group में Huff Huxley and Hansen थे और उन्होंने इस theory का नाम दिया sliding filaments theory. अब इसे sliding filaments theory क्यों कहते हैं? तो मान लीजिए कि यह red marker हमारा thick filament है और यह ब्लैक मार्कर ये थिन फिलामेंट है. तो ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है? इस थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग हो रही है थिक फिलामेंट के ऊपर. सो थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर थिक फिलामेंट एंड इसलिए इसे कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की इनिशिएशन तभी होगी जब ब्रेन से मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल फाइबर में आएगी. तो यहाँ पे आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाती है. ब्रेन में वहाँ पे उस मैसेज की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स होता है वो ब्रेन से मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन के थ्रू अफेक्टेड ऑर्गन तक आता है. तो यहाँ पे मैसेज ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल फाइबर में आ रहा है. तो इम्पल्स के फॉर्म में आ रहा है. कैसे आ रहा है? कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन हो रहा है और इस फॉर्म में यह इम्पल्स अलोंग द एक्सोलेमा यहाँ तक नर्व एंडिंग तक आ जाता है. ये नर्व एंडिंग के पास यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, वेसिकल्स के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. जब इम्पल्स साइनेप्टिक वेसिकल्स तक पहुंचते हैं फिर यहाँ से इनका ड्रिफ्टिंग होता है और यह एंड ऑफ द एक्सोलेमा में की तरफ आ जाते हैं और ये अल्टीमेटली इनका फ्यूज़न हो जाता है ये एक्सोलेमा से और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज़ हो जाते हैं. यह न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यह है एसिटाइल कोलीन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होकर सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा से होते हुए टीटीब्यूल तक आता है और जिसकी वजह से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट है टीटीब्यूल के क्लोज. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह रिजर्वॉयर है फॉर कैल्शियम आयंस. तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है यह स्टिमुलेट कर देता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम आयन. अब जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्म में तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रोपोनिन, यहाँ देख लेते हैं ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है और यह प्रेजेंट है ओवर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन जो है ये एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर रखा है, यहाँ ब्लॉक कर रखा है. तो कैल्शियम आयन जैसे ही सार्कोप्लाज्म में रिलीज होती है इसकी लाइकिंग है फॉर ट्रोपोनिन सी से.
तो यहाँ पे ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनियन सी से बाइंड करती है। ट्रोपोनियन सी जैसे ही इससे बाइंड करती है इसमें चेंजेज आता है और यह चेंज इंड्यूस करता है ट्रोपोनिन आई को, और वहाँ से फिर ये जो चेंज इसमें प्रोड्यूस होता है वह इंड्यूस करता है ट्रोपोनिन टी को कि उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आए, और जिसके वजह से यह जो ट्रोपोमायोसिन जो प्रेजेंट है मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर वह क्या करता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है और यह साइड में इसके शिफ्टिंग हो जाती है। ये पोजीशन चेंज हो गया और पोजीशन चेंज होने की वजह से जो मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है एक्टिन के ऊपर उसकी वो क्या हो गया, बिल्कुल एक्सपोज हो गया। तो ये जब बाइंडिंग हो गई कैल्शियम की ट्रोपोनिन सी तो इसके बाद इसकी पोजीशन ऐसे हो गई और मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद। यह थिक फिलामेंट है और यहाँ पे मैंने ये मायोसिन हेड बना दिया। और कैल्शियम बाइंडिंग की वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट जो थिन फिलामेंट के ऊपर है वो एक्सपोज हो चुका है। तो यह जो है ये जेड लाइन हो गया, ये जेड लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का है ये आई बैंड है, ये आई बैंड हो गया और यह मायोसिन बैंड, मायोसिन फिलामेंट और वो थिन फिलामेंट है, इसे मैं थिन फिलामेंट लिख देती हूँ। इसकी पोजीशन बिल्कुल ऐसे होती है, मायोसिन हेड फ्री है, वह मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन से बाइंड नहीं किया है। अभी यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे टू बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट हैं, तो पहला यहाँ पे ये एटीपी बाइंडिंग साइट है और यह हेड जो है ये एटीपीएज एंजाइम की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी जाकर एटीपीएज के साथ बाइंड करता है। जब इसकी बाइंडिंग होती है उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे चेंज आएगा और एटीपी ये चेंज हो जाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये हेड जो है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा। जब हेड एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो यह जाके एक्टिन का या जो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ जाके बाइंड कर लेगा। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, मैं ऐसे दिखाती हूं आपको, यह आप मेरे हाथ को देखिए, यह बिल्कुल मायोसिन हेड की तरह नज़र आ रहा है और ये कप शेप्ड यह मायोसिन बाइंडिंग साइट ये एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसकी पोजीशन बिल्कुल ऐसे हो गई। जब एटीपी आकर यहाँ बाइंड करता है तो यहाँ इसकी हाइड्रोलिसिस हुई एटीपी की और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी जब रिलीज होने से यह हेड जो है वो एनर्जाइज्ड हो गया और यह क्या किया, इस मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पे है उसके साथ इसकी बाइंडिंग हो गई। अब कुछ तो एनर्जी यहाँ पे इसने यूज़ किया, अब थोड़ा एनर्जी जो इसके पास है उसको यूज़ करते हुए यह इसमें बैकवर्ड स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक लेता है। मैंने पावर स्ट्रोक लेते हुए अपने हैंड को थोड़ा लेफ्ट में टर्न किया तो आप देखें यह जो मेरा हैंड है जो थिन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी भी शिफ्टिंग टुवार्ड्स द लेफ्ट हो गई। तो इस तो यहाँ पे क्या है कि जो इसकी लेंथ थी आई बैंड की वो घट गई। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, यह थिक बैंड हो गया, यहां मायोसिन हेड की बाइंडिंग हो गई, मायोसिन हेड की बाइंडिंग हो गई
मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन पर, और यहाँ पे क्या है ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ है यूजिंग एनर्जी, हेड जो है वो एक्टिन से जाके बाइंड कर लिया है, और इस जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस बाइंडिंग से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं। फाइन, अब यूजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मायोसिन हेड, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आती है और यह एक पावर स्ट्रोक यानी कि इसके बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मायोसिन हेड की बैकवर्ड मूवमेंट हुई यानी इसने पावर स्ट्रोक लिया और फिर ADP एंड जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो दोनों ही रिलीज हो गए और मायोसिन हेड जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई बैंड की साइज भी छोटी हो गई क्योंकि जब बैकवर्ड मूवमेंट हुई तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्टिन जो बैंड जो ये जो लाइट थिन बैंड है उसकी स्लाइडिंग हो रही है टुवर्ड्स द एम लाइन, टुवर्ड्स द एम लाइन इसकी स्लाइडिंग हो गई जिसकी वजह से आई बैंड की साइज छोटी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में दैट ATP विल अगेन बाइंड विद द मायोसिन हेड, यहाँ पे ATP की फिर से बाइंडिंग हो रही है मायोसिन हेड के साथ। अब जैसे ही इसकी बाइंडिंग ATP के साथ होगी मायोसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट जाएगी और ये जो है मायोसिन हेड ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, फिर ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, फिर ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जाइज्ड हेड अगेन इट विल बाइंड विद द थिन फिलामेंट और यह साइकिल जो है सिमिलरली ये चलती रहेगी जब तक कि कैल्शियम आयरन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चले नहीं जाते और हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि कैल्शियम जो है वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले नहीं गए। आई होप यह मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।